हेलो एवरीवन, कोमल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। हमारे नेशनल राइट का जो आज़ादी का दिन है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और सारे आर्मी वालों को, सारे फोर्स को सल्यूट है जो हमारी सेवा में हमेशा बॉर्डर पर रहती है। किसी का बेटा रहता है, किसी का हस्बैंड रहते हैं, किसी के भाई रहते हैं और हर टाइम अपनी जान खतरे में लेके रहते हैं। तो सबको सल्यूट है हमारी तरफ से और सबको आज़ादी का ये दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा तो मन कर रहा है हाथ पैर मुंह सब पे अपना फ्लैग बनवा लूँ। कह सकते हैं कि मैं अपने फ्लैग के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ। तो सल्यूट है आर्मी को और सल्यूट है हमारे फ्लैग को और आज़ादी का ये दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सबको, सभी आर्मी वालों को, सभी फोर्स को और हमारे देश के हर एक नागरिक को ये आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलो देखते हैं आज पूरा दिन कैसे जाता है। वैसे तो आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के दिन लोग बाहर पतंगे उड़ाते नजर आते हैं और उड़ा भी रहे हैं, बहुत से लोग पतंगे उड़ा भी रहे हैं, लेकिन बारिश भी हो रही है। चलो जो पतंगे उड़ा रहे थे बारिश के चक्कर में नहीं उड़ा पा रहे, तो देखते हैं। है मेरे की चाहे आस पड़ोस में ही सही पर लेकिन कहीं किसी ना किसी चीज से कान में बाबा का नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं बाबा का नाम लिया जा रहा है। तो मतलब एक खुशी सी होती है कि सच में कहते ना बाबा बहुत प्यार करते हैं कि कहीं से भी कैसे भी अपना नाम सुना के अपने कानों में अगर थोड़ा सा भी कुछ परेशानी हो तो वो दिल को एक राहत से मिल जाती है, एक सुकून सा मिल जाता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी और कुछ काम करने लगी थी तो मेरे मन ऐसे ही, जैसे इंसान है थोड़ा बहुत मन कभी कभी इधर से उधर हो ही जाता है, तो मैं जैसे ही बाहर आई बाबा के इतनी जोर जोर से भजन चल रहे थे कि जो मन है ना जो अशांत था कि, तो उनका नाम लेने से ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है बाबा है साथ में या बाबा कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक अच्छी फीलिंग होती है जो वो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे ये बताते हैं कि हाँ हम तेरे साथ हैं या हम साथ हैं, चिंता की बात नहीं है। तो पास में ही भगवत गीता हो रही है और इतने जोर जोर से भजन बज रहे थे, आप लोगों को भी साउंड आ रही होगी और उससे भी तेज भजन बज रहे थे, अब तो बहुत कम हो गए। तो एकदम से कान में आया और मन कहा कि हाँ शांत है मन, अब थोड़ा शांत हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, मेरे कृष्ण का नहीं है मुझे प्यार करते हैं, इवन मुझे काल को माँ भी बहुत प्यार करते हैं, मतलब सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, ऐसा वो फील करवाते हैं कि हाँ हम बहुत प्यार करते हैं और शायद हर किसी के साथ ऐसा परमात्मा जरूर करता होगा। तो जैसे अभी मैं उठ के बाहर आई थी, बस थोड़ी देर 5 मिनट ही हुए हैं इनको भजन सुनते सुनते, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ऐसा भी होता है। और बाहर आज 15 अगस्त है तो बाहर जो है पतंगे उड़ रही हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। लोग जो है ये तो हो रहा है, वहाँ हो रहा है बाबा का भगवद गीता का पाठ और भजन चल रहे हैं और यहाँ दुनिया जो है घरों में चढ़ चढ़ के मतलब पतंगे उड़ा रही हैं, मतलब मौज ले रही है आज 15 अगस्त की, हमारी आज़ादी की मौज ले रही हैं और लेना भी चाहिए। तो ये तो मेरी भावना है कि पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता, पर मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को मतलब उन्होंने मुझे ऐसा फील करवाया, मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। वो तो आप लोगों की जस्ट मैंने रोटी बना ली है और सब्जी भी बना ली है, तो फटाफट से मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि सफाई करने के बाद मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। अभी आज मैंने लेट मशीन लगाई थी तो मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए थे, तो फटाफट से मैं काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद और काम करेंगे। तो फटाफट से पहले ये काम नहीं उठाती हूँ उसके बाद और काम करती हूँ, तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आज मैं वीडियो में थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि एक्चुअल में क्या था, जब मैं थोड़ा सा मैं बैठी थी चाय वाय पी के बैठी और ना जैसे ही मैं याद करने लगी तो मैं अपने लड्डू को याद कर रही थी, आखिर है तो वो भी कृष्ण का रूप ही लड्डू गोपाल हमारे, तो मैं उन्हें याद कर रही थी। तो मेरी कुछ बात मैं उनसे शेयर कर रही थी अपने दिल की, तो मैं एकदम से भावुक थी और जैसे ही मैंने मतलब बहुत इमोशनल हो रखी थी और मतलब इतनी इमोशनल हो रखी थी उनको याद उनसे बातें कर करके, और जैसे ही मैं गेट खोला मैंने अपना और मैं बाहर निकली तो उन्हीं के गाने चल रहे थे और बहुत जोर जोर से चल रहे थे और मेरे कान में आवाज आ रही थी और मैं उनसे कुछ कह के ही हटी थी और वो चीज एकदम से मेरे कानों में आई। तो मुझे मतलब मैंने उनके साथ फीलिंग शेयर की और उन्होंने मुझे किसी तरीके से किसी वे से शेयर की, तो मुझे एकदम इमोशनल हो गई कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप लोग की भी फीलिंग्स ऐसे ही सच्ची हो ना
तो आप लोगों को भी महसूस होगा कि गॉड ना किसी वे में आपको बताता है कि हाँ हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम हमसे करते हो। तो बस मेरी एक फीलिंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और शेयर करते करते मैं इतनी इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। तो बस ऐसा ही था, और ऐसे ही हमारे परमात्मा से हमारा जोड़ होना चाहिए कि वो हमारे लिए इमोशनल हो जाए और हम उनके लिए इमोशनल हो जाए। तो बस इतना ही था, आप लोगों के साथ शेयर हो गई वो चीज। तीन चार दिन पहले सैटरडे के टाइम शायद मेरे साथ ना ऐसा हुआ, मैं जैसे करवट लेते हैं तो मैं सोने लगी, तो ना करवट जैसे ही लेने लगी तो मेरे ना कमर जो है जो एकदम से चट बोली। तो आज मैंने ना मम्मी से कह के कमर चटकवाई, और जब कमर चटकवाई तो वो एकदम टक बोली, और जब टक बोली तब जाके मेरी कमर ठीक हुई है। इतना दर्द हो रहा था कमर में, इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना ही दर्द हो रहा है। मेरे से यूं भी गर्दन नहीं करी जा रही थी, करी अभी भी नहीं जा रही, मतलब करी तो जा रही है अभी, तो फिर भी करी जा रही है, बट इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। अगर कभी आपके लोगों के साथ भी ऐसा हो तो एक बार कमर चटकवा लेना, ऐसा नहीं टक्करवा लो, बिल्कुल ही आराम से चटकवाना, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। और हम हो गए हैं रेडी, रहा धो के, काम वाम मैंने कम्प्लीट कर लिया है, और अब जस्ट मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, और देखते हैं और क्या काम रह गया है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन सभी को, भारत की इस आजादी को, हम सबके लिए ये बहुत बड़ा दिन है, हर एक देशवासी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, हर एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा दिन है, मतलब हर किसी के लिए बड़ा दिन है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया, हमारी इंडिया को, भारत को, और भारत की फोर्स को सल्यूट है हमारी को, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अब मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, आज मैं जल्दी ही ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप लोगों की शिकायत रहती है मेरा ब्लॉग बहुत छोटा होता है, लेकिन आगे से मैं बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करूंगी। तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट, होप सो आप लोग ठीक रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। कोमल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियोस कैसी लग रही है जरूर।